Audio Jungle. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और आप देख रहे हैं तेज निगाहें न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद है सुधीर पवार, बाबरपुर आरडब्ल्यूए विधानसभा अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी, नमस्कार आपकी पूरी टीम का। सर, आज जो जोन में हुआ आपको अच्छा लगा? कहीं आपको लगा नहीं ये गरिमा जो है एक पद की वो खराब हुई है? टेबल पर चढ़ जाना, चिल्ला चौंट करना और बदतमीजी से तू चपाट करना, ये अच्छा नहीं लगा आपको? ये क्या है, ये गरिमा की पद का खराब? देखो, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि गरिमा की पद को, लेकिन उनको देखना चाहिए थे। आप ये बताओ, हमारे वार्ड में 11 दुकान सीलिंग करा दी गई, तो सील कराने का आप कम से कम आप नोटिस तो दोगे। एट ए टाइम आप आओगे और वार्ड में बिना पार्षद के पूछे आप सीलिंग करके चले जाओगे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी देखना चाहिए ये सारी चीज़ें। नहीं तो ये शांतिपूर्वक भी तो हो सकता था, सवाल जवाबदेही मांगी गई है तो शांतिपूर्वक हो सकता था। क्या टेबल पर चढ़ना था, हंगामा बनाना था, तू चपाट करना था? देखो, मैं उस समय वहाँ पे था नहीं, पोजीशन क्या बनी होगी, क्या रही होगी, मैं भी मानता हूँ कि शांतिपूर्वक होना चाहिए सारी चीज़ें, लेकिन उस समय वहाँ क्या हुआ होगा मैं अभी एक्चुअल बता नहीं सकता आपको। लेकिन ये जो भी हुआ ये शर्मनाक है, गलत बातें हैं, सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, ये बीजेपी को या MCD को ये सोचना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आचार संहिता लगने वाली है, आदमी बहुत परेशान है, कोरोना जैसी बीमारी से भी निकल के आया है और अभी जैसे जैसे करके कार्य धीरे धीरे लाइन पे आए हैं और अभी दुकान सीलिंग करने का मतलब बनता नहीं ना अभी। विपक्ष एक आरोप भी लगा रहा है कि ये जो रेखा त्यागी ने किया है और जो आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने किया है वो सिर्फ कैमरे के सामने आने के लिए और कहने का मतलब टिकट की राजनीति के लिए किया। क्या ये सही बात लग रही है आपको? देखो, टिकट की राजनीति तो अलग चीज़ है, वो तो पार्टी का डिसीजन होगा किसका टिकट किसका है किसका नहीं है, ये उनके अपने पर्सनल हो सकता है। पार्टी का कोई ऐसा आदेश नहीं है कि आप टेबल पर चढ़ो या कहीं चढ़ो, ये अपना उसका पर्सनल व्यक्तिगत हो सकता है, ये गलत है ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से मैं सहमत नहीं रखता। तो जो चेयरमैन से और बाकी लोगों से बात हुई है और कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, तो अब क्या आगे का प्लान है और निष्कर्ष इसका कैसे निकलेगा, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं देखो, निष्कर्ष तो यही है कि इसका सबसे पहले तो तुरंत सीलिंग तत्काल प्रकार से ये सीलिंग रोक देनी चाहिए, क्योंकि अब सीलिंग करने का कोई तात्पर्य नहीं बनता। क्योंकि इसलिए नहीं बनता कि आपको देखा होगा कि पिछले 2 साल से जनता जूझ रही है, काम धंधे वैसे ही नहीं है और इस पे से ऊपर से सीलिंग आ गई, पहले नोटबंदी, फिर GST, ऊपर से फिर कोरोना जैसी बीमारी, बीच में हम दंगों से भी जूझे हैं और आप बात करें तो सीलिंग की, तो दे तो जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा सर कहीं ना कहीं छवि तो खराब की है ना आपने। भाजपा निगम पर सत्ता पे काबिज है और आम आदमी पार्टी दावा करती है कि इस बार हम आने वाले हैं, अगर इस तरीके से बिहेव करते हैं तो आपको लगता है कि जनता पसंद करेगी आम आदमी पार्टी? नहीं, जनता पसंद करेगी आम आदमी पार्टी को, जनता पसंद करेगी। हम जनता के लिए तो लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी के जो जितने पार्षद हैं, जितने चेयरमैन हैं, हम उनसे जनता के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने पर्सनल काम के लिए नहीं लड़ रहे। अगर वो टेबल पर भी चढ़ी हैं तो जनता के लिए चढ़ी हैं, वो केवल इसलिए चढ़ी हैं कि जो हमारे वार्ड में 11 दुकानें सीलें हुई हैं वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। कम से कम एक आप जेई या कोई भी XYZ कोई आ रहा है तो कम से कम पार्षद को इन्फॉर्मेशन देके तो आएगा। बिना आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम नेता की तरह नहीं बेटा की तरह काम करते हैं, तो क्या एक बेटा ऐसे काम करता है? एक गरिमा होती है एक पद की, उसको खराब करता है? नहीं, हम नेता की तरह नहीं, बेटे की तरह काम करते हैं और बेटे की तरह आगे भी करेंगे। अभी हमने अभी हर चौथे दिन जो है हमारी यात्रा जा रही है, अभी हमने अपने बाबरपुर विधानसभा से तकरीबन 70-75 बुजुर्गों की अभी यात्रा भेजी है, वो महाकालेश्वर गए हैं घूमने के लिए, उज्जैन गए हैं, अलग अलग जगह भेज रहे हैं, तो बेटा का बन के काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखो एक सच्चाई है कि बीजेपी से जो है आम जनता तरसता है, परेशान है। नहीं, आपको नहीं लगता है कि जो आज हुआ है इसका ADMC जो इलेक्शन आने वाले हैं MCD के, उस पर प्रभाव पड़ने वाला है? नेगेटिव? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला किसी भी तरह का, आपको बता दूं ये सब राजनीति है, पॉलिटिक्स है। विपक्ष भड़काता है, विपक्ष वो मजबूर करता है उन्हें ये काम करने को, ऐसा नहीं है, जनता सब देखती है। और देखो, रेखा जी का या किसी पार्षद का पर्सनल संबंध नहीं है, उनसे पर्सनल लड़ाई थोड़ी है, उनसे पर्सनल लड़ाई नहीं है, वो जनता के लिए लड़ रही है। भाई उनके वार्ड में अगर दुकान सीलिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है वो पार्षद के पास आएंगे, तो पार्षद के पास आएंगे तो पार्षद तो कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। स्वास मोहल्ला में रहते हैं और एक अच्छी खासी आपकी छवि है और वो इसी वार्ड से पार्षद हैं, तो आप बताएंगे कि उनकी क्या छवि बनी हुई है रेखा त्यागी की इस वार्ड के अंदर? जनता उन्हें पसंद करती है कि नहीं करती है? और अगर करती है तो आज जनता की लड़ाई है, लेकिन जनता की लड़ाई शांतिपूर्वक हो सकती थी, चू चपाट के साथ हुई है, तो आप क्या कुछ कहेंगे अपने वार्ड की छवि को लेकर रेखा त्यागी की? देखो, रेखा त्यागी के लिए नहीं, मैं अपने वार्ड की छवि बात करें तो हम पार्टी की बात करते हैं, किसी भी व्यक्तिगत की कोई छवि पार्टी के सामने नहीं होती। अगर पहले भी वो चुनाव जीते तो जाहिर सी बात है जनता पसंद करती है, चुनाव जीती है, पार्टी को पसंद करती है और आगे पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ हम खड़े हैं और पार्टी उसे, जनता हमारे वार्ड की जनता तैयार बैठी है हमारी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए।
क्योंकि पार्टी की जितनी भी नीति है पब्लिक के बीच में है और पसंद कर रही है, ऐसा नहीं है पब्लिक को पसंद कर रही है, पब्लिक को देख रही है, इंतजार कर रही है कि किसका टिकट होगा, चाहे उसमें रेखा जी का हो या अन्य किसी का हो, पार्टी जनता तैयार बैठी है जिताने के तो लिए। इस बार आप लोग दावा कर रहे हैं तीनों निगमों में आने का जी, ऐसी क्या रणनीतियां हैं जो आपको इस बार तीनों निगमों में लाने वाली है? आम आदमी पार्टी ऐसा क्या खूब काम कर रही है? देखो क्योंकि लोग आरोप लगा रहे हैं सर आपको लेके कि शराब की नगरी बना रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं, 15 साल से भाजपा की सरकार है MCD में, और MCD का इतना बुरा हाल है कि जनता तरस हो चुकी है कि समय पे कभी जितने MCD कर्मचारी हैं समय सैलरी नहीं मिलती, या हॉस्पिटल के डॉक्टर तक की आप बात करें तो 7-7, 8-8 महीने की सैलरी लोगी पड़ी है, भ्रष्टाचार बेहिसाब है। तो इस बार जनता, दिल्ली की जनता मूड बना के बैठी हुई है कि इस बार MCD को भी दिल्ली को देना पड़ेगा, केजरीवाल को देना पड़ेगा। अगर इसे कोई सुधार सकता है तो सिर्फ केजरीवाल जी सुधार सकते हैं और कोई नहीं सुधार सकता। नवंबर से आरोप लगा रहे विपक्ष की, नवंबर से जो 272 वार्ड है उनमें ठेका खोलना शुरू कर दिया गया, दिल्ली को शराब की नगरी बना रहे, के साथ एक फ्री का ऑफर भी अभी गया है, तो आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको डुबो देगा? देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने सुना होगा था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक वो की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें बोला गया कि अगर क्षेत्रीय RWA चाहे, अगर कहीं इलाके में ठेका खुला हुआ है, अगर क्षेत्रीय RWA वहाँ के लोग, मौजूदा लोग चाहें एक सिग्नेचर कैंपेन करें और आप अपने क्षेत्र से लेटर लिख के दें तो उस ठेके को शिफ्ट किया जाएगा। तो हमारी जो जनता है, जो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को अपनी आवाज़ पहुंचानी पड़ेगी। दिल्ली गवर्नमेंट तैयार बैठी है काम करने के लिए, अगर जिस क्षेत्र की जनता चाहेगी तो ठेका हटा दिया जाएगा। हमारे CM साहब ने खुद बोला आके माइक पे कि अगर जनता चाहेगी तो ठेके वहाँ से हटा दिए जाएंगे। सर भारत एक शांति प्रिय देश है, कोई भी मुद्दा हम शांति से बैठ कर सुलझा सकते हैं, आपकी टेबल का भी एक सम्मान है, इस पर कोई जूता पहन के चढ़ जाए तो एक गलत छवि बनती है, और आम आदमी पार्टी आपको ईमानदार पार्टी बोलती है अपने आप को, और एक अच्छी छवि बनी हुई दिल्ली के अंदर। पिछले सालों से मुख्यमंत्री पद पर 3 बार मुख्यमंत्री केजरीवाल रह चुके हैं, आज जो हुआ है वो आपकी छवि को गंदा नहीं कर दिया? आपको नहीं लगता कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पुलिस वाले आ गए सब कुछ आ गए? नहीं, बिल्कुल आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, नहीं करना चाहिए था। लेकिन देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक पार्षद की अपनी गरिमा होती है, तो आपने देखा है विपक्ष जो है कैसे चप्पल मारने को उतारू हो गया, तो क्या पार्षद की गरिमा होती है कि एक चप्पल निकाल के दूसरे पार्षद की तरफ चप्पल मारने के लिए तैयार हूँ? वो एक जनता का चुनाव नुमाइंदा है, 60,000 वोटर 61,000 वोटर है हमारे वार्ड में, उन्होंने चुन के भेजा है हमारी बात रखने के लिए, जनता की बात रखने के लिए। अगर वो जनता की आवाज़ दबाना चाहते हैं ना विपक्ष, तो जनता की आवाज़, अगर हमारी मेरे वार्ड से कोई पार्षद जाता है तो पूरे 60,000 वोटर का वो प्रतिनिधि है, उसकी आवाज़ दबाई जा रही है ना। अगर वो सीलिंग के लिए मुद्दा कर रहे हैं तो एक पार्षद दूसरी विपक्ष पार्टी का पार्षद चप्पल मारने पर उतारू हो जाता है। चेयरमैन का तो अपमान हुआ है ना? नहीं नहीं, चेयरमैन का अपमान तो हुआ है, लेकिन चेयरमैन की भी अपनी एक गरिमा होती है, चेयरमैन साहब को अपनी पार्टी को देखना चाहिए ना, अपनों को पार्षदों को देखना चाहिए। तो कहीं पार्षद, आपने भाई साहब आपने ना इस पद की गरिमा के ख़त्म कर दिए, एक पार्षद चप्पल मारने को तैयार हो गया, कहीं ना कहीं ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये मैं विपक्ष को भी कहूँगा कि अपने पार्षदों को भी कहूँगा कि हमें टेबल पर नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने आज शर्मसार कर दिया, शर्म से ना मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कुछ की, कि एक पार्षद, एक क्षेत्र का प्रतिनिधि जिसको जनता ने जीत के बैठाया है वहाँ पे, और वो आया आदमी जो है जनता के सामने चप्पल लेके बैठ गया, चप्पल मारने को तैयार हो गया, ये तो कहीं ना कहीं गलत है। ये तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर बनाया जा रहा है और BJP बौखला गई है। प्रेशर तो आम आदमी पार्टी तरफ से बनाएगा चेयरमैन पर वो चढ़ना और वो एक गलत तस्वीर बना देना। आपने देखा होगा कि जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे वो केवल 3 जने थे, और BJP के जो पार्षद है पूरी कमेटी थी, पूरी मीटिंग बैठी हुई थी। अगर उसमें अपने बात रखना अपना वो बनता हो और उस पर हावी होना, कहीं ना कहीं BJP के पार्षद बौखलाए हुए हैं, वो घबराए हुए हैं कि इस बार सत्ता में आम आदमी पार्टी आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो गलत काम कर रहे हैं। तो ये समझते हैं कि जो भी हुआ है वो EDMC इलेक्शंस को जो सामने आने वाले हैं उसको लेकर? बिल्कुल, जो भी हुआ है वो बौखलाए हुए हैं, EDMC इलेक्शन को लेकर के हुआ है, सभी घबराए बैठे हैं, बहुत ही मतलब इनका बुरा हाल है। अब देखो आरोप पर आरोप लगाते रहते हैं, अब इन्होंने ठेकों का लगाया, अब कुछ और लगाया, अब सीलिंग शुरू कर दी है। अब चुनाव के टाइम में सीलिंग का किसने कहा कि सीलिंग का मुद्दा, आपने आके किसी भी वार्ड में आके 11 दुकानें सीलिंग कर दी, गलत बात है ना ये तो। और ऊपर से फिर अगर जो हम अपनी जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहते हो तो आप चप्पल निकाल के खड़े हो गए, ये तो आप गरिमा का भी एक अपनी पार्षद की जो गरिमा वो भी आपने खो दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।